तारीख 20/5/73 का मासिक सत्संग जो बाकी है वो स्टेप में है, नंबर 2 स्टेप पर लिख दिया जाएगा। राधा स्वामी जहाँ साधन रोज से गावे तहाँ करो मैं बासा, साध चले आगे उठ धाओ मोहे साध की आशा। कभी होता उसको पूछता, कभी होता उसको पूछता, बात ये ठीक है साधु में वो कौन है जो अपने मन को छोड़कर अपने रूप में प्रकाश में स्थित रहता है। तो ईश्वर को कौन पैदा करता है? साधु उसका अपना मन पैदा करता है। तो अगर कोई साधु है तो उसके विश्वास के मुताबिक उसका ईश्वर जो हर वक्त उसके आगे साथ रहेगा और उसकी रक्षा होती रहेगी। रोचक और भयानक बातें बता बताकर हम लोगों को पागल किया गया। ब्राह्मणों का राज था, तुम देखो क्या कुछ हुआ। गुजरी राजी आसमान के ऊपर और उसका निजा क्या है, एक ब्राह्मण का लड़का कुछ नहीं जानता, बेवकूफ से बेवकूफ, शराबी से शराबी, दूसरी जात वाली उसको ब्राह्मण संघ के नमस्कार करती। अब जमाना बदल गया, साध की महिमा बड़ी है। साध वो है जो अपने रूप में अपने प्रकाश में रहता है, जो प्रकाश में रहता है उसमें तो सब सिद्धि शक्ति है, उसमें सब सिद्धि शक्ति है। वो तो कुदरत की एक बात है, तुम खुद रह के देखो तुम्हारे काम होते रहेंगे। तो आज मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया, कोई कसर मैंने छोड़ी। माताओं को कहता हूं कभी किसी साधु महात्मा के चाने मत दबाया करो, बस सत्संग सुनो। जहां से तुमको अच्छी बात मिलती है वो ले, कोई हर्ज नहीं। ये संसार सब ठगों का जाल है, सब निकालो। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बसाया था। मुसाफिर है कबीर के लाली से ऐसे ही नहीं है जी, कबीर के लाली तुम होशियार, ठगों ने आन बसाया था। मगर उनकी तालीम रोचक और भयानक, मेरी तालीम रोचक और भयानक नहीं, मेरी तालीम यथार्थ बिल्कुल। मुसाफिर रहना तुम होशियार, थे गाने आन बेचाया जाल। मुसाफिर रहना तुम होशियार, थे गाने आन बेचाया ये स्वामी नहीं मानी। मुसाफिर कौन है जो अपनी घर जाना चाहता है, शांति हासिल करना चाहता है, कहते हैं भाई ठग है निकले सारे ठग, तुम्हारी तीन तीन का ठग जो खत्म, वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। जो दुनिया में तरफ खींचेगा वो अपने घर कैसे जाएगा बताओ। दूसरे ठग औलाद पुत्र सुना, जो पुत्रों के मुंह में फंसा हुआ है वो अभी नहीं उम्मीद करे कि मैं आदम शांत पहुंच जाऊंगा, झूठी बात है। वो जब अभ्यास करेगा उसका मन तो सामने पुत्र आएगा,
या बेटी आएगी या औरत आएगी या भाई आएगा, तो ये सब ठग है। हम लोग गुरु हैं, तुमको कितने हम कह सकते हैं। मैं गया था, मैं तुमको ले जाऊंगा, सारे लोग ले जाऊंगा, नाम ले ले मुझे, शराब पी मार खा जो तेरी मर्जी है कर, अंत समय तक मैं ले जाऊंगा। ऐसा धोखा दिया गया है ठग बन के हिंदुओं ने हमको, कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरी बात को सुन के लोगों को गुस्सा लगता है, अरे बाबा लगी, मैं तो आया ही हूँ अवतार लेकर के संत मत की तालीम को साफ करने के लिए। जिसका जी चाहता है मेरी बात कही करके मेरे सत्संग में ना आया, किसी को बुलाने जाता है। मैं कहता हूँ हम सब ठग हैं, घर वाले ठग, दौलत ठग, मकान ठग, बीवी ठग, रिश्तेदार ठग, मदर ठग, गुरु ठग। क्यों ठग है? वो हमारी सुध को अपनी तरफ खींचते हैं, वो हमारी तवज्जा को, हमारी सुध को अपनी तरफ खींचते हैं। तो जब तक हम किसी दूसरे की तरफ खींचे रहेंगे, हम अगम धाम में जाएंगे कैसे? तुम समझ गए मेरी बात को नहीं? फिर गुरु ने ना कौन जाएगा? किसी कामल इंसान की सोबत बैठ के उसको समझ लिया के ज्ञान हासिल करो, और जो ज्ञान रूपी सदगुरु है उसको ना आया के बोलो ओ भाई। अब मैंने तुमको बता दिया ये बैठा हुआ, इसने मुझको लिखा कि इसके पेट में दर्द बुखार थी, मैं गया, मैंने इसके पेट पर हाथ फेरा, कहती गाड़ी हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सच्ची बात नहीं बताता तो ये भी अज्ञान से मेरी सेवा करेगा कि बाबे ने मेरे पेट पर हाथ फेरा, मेरी चक्की और पुजाब खुल गया, बुखार उतर गया, तो क्या मैं ठग नहीं हूं? मैंने इसको नहीं ठगा। इस वास्ते मैं गुरुओं को ठग कहता हूं, क्योंकि ये सच्ची बात नहीं बताते, साफ नहीं कहते। साफ कहने से नुकसान दिया, ये उनका विश्वास टूटता है। मैं कहता हूं उस विश्वास ने तो आज भी टूटना है, कल भी टूटना है। अगर पहले से सच्चा विश्वास सच्चे गुरु पर रखा जाए तो जिंदगी में टूटने की जरूरत ही कोई नहीं। बार बार ये टूटेगा, आज तुमने मुझ पर वक्त जी के विश्वास कर लिया। मैंने तुमको कहा करता हूं तुम किसी 10 नंबर के बदमाश को गुरु मशहूर कर दो, 10-15 कैरियर के साथ लगा दो, उसका रूप भी लोगों के अंदर प्रकट होना शुरू हो जाएगा। वो तो संस्कार है, तुम आदमी हो, रात को अपनी आवाज़ तुम्हारे सुनने में नहीं आ जाती, सुपनों के अंदर उनके ख्वाब नहीं आ जाते, सुबह उनसे पूछा करो तुम आए थे, सुबह उनसे पूछा करो तुम आए थे सुपने में, नहीं ना आते। ये एक जाल है, मकड़ी का जाला है, मकड़ी का। तू तो आया ना गही में सरपति का बेटा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु को बेचा, तीन साफ से जीव दुखी है निर्बल अबल अज्ञानी, अकेला काम गया था भाई नाम जान ले जाने। मैं जो बात कहता हूँ मेरा यही नाम जान। मैं कभी किसी को अयादा बैठा के किसी आरोप को या मर्द के लिए नहीं कहा कि तू ऐसे अभ्यास किया कर, बिल्कुल नहीं। जिसकी बात समझ में आ जाए आ गए तो कहते हैं मुसाफिर पढ़ो। मुसाफिर रहना कम होशे आरे ठगाने, आने बेचाया जाले अकेले, मत जिंदा गुरु। राजा स्वामी मत कहता है मुर्दा गुरु तुम्हारे कोई काम नहीं कर सकता। तो तुम जिसका रूप अंदर में देखते हो उसको जिंदा समझते हो? इस वास्ते जिंदा गुरु की सोबत और संगत की सब जरूरत है। बार बार सत्संग पर जोर दिया जाता है, मगर सत्संग भी किसी काबिल इंसान का हो। आजकल जो कताने किसी ने पाई बगल में रखी,
गीता के चार श्लोक याद हुए, वेदों के दो मंत्र याद हुए, पुराणों से कोई कहानियां याद हुई, सत्संग दे दी आगे जमा देखो क्या कहते हैं, जमा तेरी देंगे सारी फूस और तुमको कहेंगे अपना जीव। गुरु करने जो गुरु है वो जीव को आजाद करता है। कहरी सुख चिलायो गडरिया पाल पोच पियो सियाना, भेजा चलाने वाले शेर का बच्चा आ गया, भेजा चला गया उसे चलान तोड़ता फिर लगी तो शेर आया, उसने उसने देखा क्या कि शेर है, उन्हें कहा तू शेर है, उन्हें जाके मानी मुंह बच्चा देख लिया मुंह है कि मेरे ये तेरी जगह हाँ मार बब निकल जा, मार बब निकल जा। देखो स्वामी जी ने को हंसी नहीं खाई तो वो कितनी सच्ची बात कही है। फिर पढ़ो उसको मुसाफिर रहना तो देखो ना अर्थ ये चाहती है हम मेरे काबू में रहे, हम ये चाहता है अर्थ मेरे काबू में रहे, भाई ये चाहता भाई भाई काबू में रहे, बाप ये चाहता है लड़का मेरे माता है, लड़का ये चाहता बाप मेरे माता है, गुरु ये चाहता है ये मेरे काबू में रहे, ये है क्या आगे सारे गुरु बिन पड़ गए मान लो कहना मेरा यार संग सजना पकड़ के ना गुरुविन और न कोई रखवार कहूं मैं सोम से बारंबार होएगी मंजल तेरी पार गुरु से कर ले दृह कर प्यार। अब देखो जिस शख्स ने ये बानी पंच चलाया राय साहब राय साहब ज्ञान साहब वो गुरु की तारीफ करते अपनी बानी में उन्होंने लिखा सतगुरु कौन, वो लिखते हैं सदगुरु सिर्फ सब श्रीमती राजा स्वामी जाल हैं उनके चरण प्रकाश। तो अगर तुम गुरु से प्यार करना चाहते हो तो प्रकाश रूप के चरण जो गुरु को तुम्हारे अंतर में है उससे प्यार करो और सब रूप के जो गुरु है उसको छोड़ो, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। सिर्फ राजा स्वामी जाल या फकीर चंद या महारिजी जी या बाबा सावन सिंह के नाम लेने से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। संत राजा स्वामी मत की वाणी के मुताबिक सदगुरु प्रकाश स्वरूप है, शब्द स्वरूप शब्द ब्रह्म है और उसके चरण नूर पार ब्रह्म। मगर जब तक तुम वहां नहीं पहुंच सकते, जब तक तुम वहां नहीं पहुंच सकते क्या करो, दिल में जबरदस्त इच्छा रखो, सत्संग तुमको जहां से मिले वहां लो, जो बात अच्छी लगती है उस पर अमल करो। जिस तरह पहले स्वामी जी ने कहा था कि गुरु बार बार भूखा भी है पखंडी भी है, तुमने अगर सिखाई है सदगुरु तुमको अपने आप आके आप मिल जाए, बस इतनी बात है। क्या वक्त हो गया, बस डेढ़ घंटा बहुत काफी है, ज्यादा बोला नहीं जाता। तुम लोग आ जाते हो, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ फकीर चंद तूने क्या किया दुनिया में, क्या किया, तेरी बात कौन सुनेगा,
कौन सुनेगा तो? अभी कोई नहीं सुनता ना सुन, हमें क्या? मैं तो हूं सूर्य सिपाही, मिट्टी में आगे दे देता सिपाही। कुछ मार आगे गिफ्ट हो या कुछ हो, सारे उसमें गिर जाए वो पीछे नहीं है। बुद्ध दादा ने कहा था कि तीन चोरा छोड़ने से पहले ताई को बदल जाना। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हें क्या कहना, ना उन्होंने कहा इंसान बनो की आवाज उठा, ना उन्होंने कहा तू लाइब्रेरी बनाओ। मैंने जो समझा अपनी जिंदगी में अपने चेहरे से वो कहा। हो सकता है मेरा जो कुछ तजर्बा हो जो है, ये दावा करना कि मैं जो कुछ कहता हूँ ये ठीक है, मेरी ये मुझे सही है, मेरे सामने गरेंट खड़ा दुनिया का खड़ा करे, इसमें मेरी बहुत मदद की, तुम लोग मदद करके हो, मेरी ख्यालात फैलाते हो, पता नहीं ये अच्छे हैं या बुरे हैं, आप लोगों को धन्यवाद कहता हूँ, आप आ जाते हैं मेरे कर्म भोगने में मेरी मदद मिलती है, सब को राय बातों को अज्ञान के जूरे से नहीं मानती। मैंने इतना सत्संग किया, अगर मैं गलत होता कोई महात्मा तो बोलता, व्यास वाले बोलते, कृपाल सिंह बोलता, नंदू सिंह बोलता, लाखों गुरु यहां बताते तो मैं गलत कहता हूँ या मेरे सामने आए। गुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का, बस तुम्हें सच्ची बात बता दी। गुरु नाम है
समझ का, विवेक का, ज्ञान का, तुम्हारे विश्वास का। जीव क्योंकि छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं, वो शुरू शुरू में जितना छोटा बच्चा है वो माँ की बात को तो समझता नहीं, मगर माँ के साथ चिमटा रहता है। जब उसको समझ आ जाती है फिर माँ के साथ चिमटता नहीं, उसकी आज्ञा का पालन करता है। ये ठीक है कि ऐसी श्रेणियां हैं जहाँ इंसान को उसकी उनकी बुद्धि नहीं है, ये गुरु का काम है उनकी आंखें खोलना, मगर गुरु लोग तो आंखें नहीं खोलते हैं। सच्ची बात बताता तो नहीं तुम लोगों को, मेरी समझ में ये बात आई। मैं अगर गलती पर हूं तो मैं तो कहता हूं कि महात्मा मेरे बरसरा लिखे, मुझे बताएं मैं कहां गलती कर, जो जाते हैं ना मेरे सामने बाबा चरण सिंह ने कानों को आगेगा, मैं नहीं जाता। नंदू सिंह कानों को आगेगा तो मैं नहीं जाता। एक मद्रासी बाबू कहता मैं नहीं जाता। ये दुनिया भ्रम में और दुनिया की आशाओं में और मन के चक्कर में आई है। तुम्हारा मन जाता है, तुम्हारा मन ही सब कुछ है, तुम्हारा मन ही गुरु है, मन ही चेला। ए मन समझे जोगे साधो, ए मन समझे जो, मन ही गुरु मन ही चेला, न ही जाने लोग रे साधो, ए मन समझे जो। फिर तुमको गुरु वो है बाहर का जो इंसान के धर्मों को नाश करके उसके दिमाग से गुरु और चेले दोनों का ख्याल मिटा दे, उसका नाम सदगुरु है।